श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत के बाद बदल गया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम को पॉइंट्स टेबल में हुए बड़े फायदे, तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे दोस्तों। अगर आप भी चाहते टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीते तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का 14वां मुकाबला श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जहाँ पर श्रीलंका ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ली और एक ओर से बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम की ओर से शुरुआती ताबड़तोड़ रही। श्रीलंका के दोनों ओपनर की दोस्तों बात करें साझेदारी 125 रनों की रही, उसके बाद दोस्तों ऑल आउट हो गई श्रीलंका की टीम 209 रनों पर और कुशल परेरा ने सबसे ज्यादा 78 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम से एडम जंपा ने दोस्तों 4 विकेट लिए। 210 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआती बेहद खराब रही। ऑस्ट्रेलिया की ओर से वार्नर और स्मिथ दोस्तों शुरुआती ओवर में आउट, उसके बाद मिचेल मार्श ने 52 रन बनाया और उनके बाद इंग्लिश और लाबुसेन ने ताबड़तोड़ पारी की और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के जीत के बाद पॉइंट टेबल में हुए दोस्तों बड़े बदलाव। पहले नंबर पे टीम इंडिया है, जहां पे 3 मुकाबले खेल कर तीनों मुकाबले जीती है, 6 अंक है। और दूसरे नंबर पे बात करें न्यूजीलैंड है, 3 मुकाबले में से तीनों मुकाबले जीत करके 6 अंक हासिल की है। और तीसरे नंबर पे बात करें साउथ अफ्रीका, 2 मुकाबले खेली, दोनों मुकाबले जीत करके 4 अंक। चार नंबर पे बात करें पाकिस्तान, 2 मुकाबले जीती, 3 मुकाबले में से और 4 पॉइंट है। और 5 नंबर पे बात करें इंग्लैंड है, 3 मुकाबले में से 1 मुकाबले जीती और इनके 2 पॉइंट है। और 6 नंबर पे बात करें अफगानिस्तान की टीम है, 3 मुकाबले में से 1 मुकाबले जीती, इनके 2 पॉइंट है। और 7 नंबर पे बात करें बांग्लादेश है, 3 मुकाबले में से 1 मुकाबले जीत करके 2 अंक हासिल है। 8 नंबर पे बात करें ऑस्ट्रेलिया, जो कि 3 मुकाबले में से 1 मुकाबले जीत करके 2 पॉइंट है। 9 नंबर पे बात करें श्रीलंका, जो कि 3 मुकाबले में से 0 पॉइंट है। और 10 नंबर पे बात करें नीदरलैंड, जो कि 0 पॉइंट्स है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।